हेलो दोस्तों, सुपर बेटल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जिन दो करेक्टर का शो डाउन करने जा रहा हूँ वो है हल्क का पावरफुल अवतार स्पेस पनिशर हल्क, तो वहीं दूसरी तरफ है प्लेनेट का भक्षक माइटी गैलेक्टस। तो जानते हैं कौन किस पर पड़ेगा भारी। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं स्पेस पनिशर हल्क की। स्पेस पनिशर हल्क अल्टरनेट यूनिवर्स का सबसे पावरफुल हल्क है, जिसकी अपीयरेंस हुई थी स्पेस पनिशर 2012 में। स्पेस पनिशर के चार हाथ है और बाल्ट बॉडी है। अगर हम इसकी ओरिजिन के बारे में बात करें तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। इसकी कहानी लगभग यूनिवर्स 616 के ब्रूस बैनर जैसी है, जो गामा बम के संपर्क में आने से बीस्ट में बदल गया। यह हल्क अपने सभी अवतारों से सबसे ज़्यादा क्रूर और हिंसक है। इस हल्क को राइटर ने रूल्स तोड़ने के लिए बनाया गया है और सबसे ज़्यादा शक्ति दी है। जनरल रॉस ने हल्क को मारने के लिए गामा पावर बिंग, जिसे डॉक सैमसंग कहते हैं, उसे हल्क बस्टर के साथ भेजा, पर स्पेस पनिशर हल्क ने हल्क बस्टर को तोड़ डाला और उसके आर्मी को स्पेस में एक एक करके मार गिराया और फिर डॉक सैमसंग को उसी के बाल से गला घोटकर मार दिया था। यह सब जनरल राज देखता ही रह गया। स्पेस पनिशर हल्क ने बहुत आसानी से लीडर को मार गिराया और उसके मिनियंस डेडपूल के गले को उखाड़ स्पेस में फेंक दिया था और साइबर टूथ को अपने मुंह में दबाकर उसके शरीर के दो टुकड़े कर दिए थे। वह यही नहीं रुका था, उसने अपने पावरफुल हाथों की मदद से फैंटेस्टिक फोर को भी मारा था। स्पेस पनिशर के फाइनल इशू में स्पेस पनिशर हल्क ने बड़ी आसानी से सिक्स ईविल वॉचर को मार दिया था, जो ऑब्जर्व करते थे ग्रह के बनने को, गैलेक्सी के विनाश को और मानव के जन्म को। और लोगों के जीवन को भी कंट्रोल कर सकते थे, उनके पास गॉड लाइक पावर थे, जैसे एनर्जी, मेटल और मॉलिकुलर कंट्रोल करना। जब वॉचर ने फ्रैंक कास्टल के सुपर रोबोट को मार दिया था, जो उसका एक लौता साथी था, तब पनिशर ने वॉचर से बदला लेने की ठानी। फ्रैंक कास्टल के सुपर रोबोट ने लीडर के लिए एक डिवाइस बनाया था, जिसकी मदद से सोनिक बूम छोड़ा जा सकता था। यह डिवाइस फ्रैंक कास्टल के हाथ में लगा था, जिसे स्पेसशिप की मदद से कुछ घंटों तक ब्रॉडकास्ट किया गया। हल्क इस सोनिक बूम के कारण खींचा चलाया। जब हल्क पास में था, तब फ्रैंक कास्टल ने अपने हाथ को काट डाला, जिसमें डिवाइस लगा था, और उसे वॉचर के हाथ में फेंक दिया। यह देख हल्क ने आसानी से सिक्स वॉचर को मार दिया था। एक वॉचर के पेट में दो हाथ से छेद कर मार डाला था, दो वॉचर को आपस में सीट टकरा कर मार डाला था और तीन वॉचर को हाथ से गले घोट कर मार दिया था। इस कामे के अंत में यह दिखाया गया है कि ब्रूस बैनर स्पेस पनिशर हल्क के बॉडी में था। हल्क ने अपना बॉडी फाड़ा, जिससे बैनर का सिर बाहर आया। बैनर ने फ्रैंक कास्टल से रिक्वेस्ट की कि वह उसे मार डाले। फ्रैंक कास्टल ने बैनर के सिर पर गोली मारी, बैनर मारा गया, पर स्पेस पनिशर हल्क अब भी जिंदा था। फिर वह वहाँ से चला जाता है। अगर स्पेस पनिशर हल्क की पावर और एबिलिटी की बात की जाए तो इसके पास वास्ट सुपर ह्यूमन स्पीड, स्ट्रेंथ, हीलिंग, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, रन इन स्पेस, इनोरेबिलिटी, और इसके अलावा इस हल्क के पास कई कॉस्मिक लेवल पावर है। अब बात करते हैं गैलेक्टस की। गैलेक्टस एक कॉस्मिक बींग है। गैलेक्टस मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बींग में से एक है। वह उन कैरेक्टर में से एक है जो यूनिवर्स बनने से पहले से एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि इन्फिनिटी और इटर्निटी। अगर गैलेक्टस की ओरिजिन की बात की जाए तो वह रोटाटा नामक प्लेनेट पर रहता था। जब उसे पता चला कि उसका प्लेनेट बिग बैंग की वजह से नष्ट हो जाएगा, तब वह सोचता है कि वह अपना स्पेसशिप ले जाकर उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। पर बिग बैंग के अंदर कॉस्मिक बींग होते हैं। बिग बैंग के बाद सभी कॉस्मिक बींग गैलेक्टस का साथ देते हैं और उसे प्योर एनर्जी में बदल देते हैं। इसके बाद गैलेक्टस अपने लिए सूट बनाता है और समय बीतने के साथ वह प्लेनेट का एनर्जी लेना शुरू करता है, जहां लाइफ होता है। गैलेक्टस ने मार्वल यूनिवर्स के कई पावरफुल कैरेक्टर से कड़ी टक्कर ली है, जैसे कि ओडिन और थेनोस, तो यही इसने कई प्लेनेट को तबाह भी किया है। अगर हम बात करते हैं गैलेक्टस की पावर और एबिलिटी की, तो उसके पास एनर्जी प्रोजेक्शन, टेलीपैथी,
साइज अल्टरनेशन ट्रांसमिशन ऑफ मैटर टेलीपोर्टेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फोर्स फील्ड क्रिएशन क्रिएशन ऑफ लाइफ क्रिएशन ऑफ इंटर डायमेंशन पोर्टल और गैलेक्टस कई सोलर सिस्टम को एक सेकंड में तबाह कर सकता है। अब बात करते हैं वीकनेस की। गैलेक्टस को एक वेपन से मारा जा सकता है जिसे अल्टीमेट नुलीफायर कहते हैं और इसकी दूसरी कमजोरी है निगेटिव ऊर्जा वाले प्लैनेट। अगर निगेटिव ऊर्जा वाले प्लैनेट को गैलेक्टस को खिलाया जाए तो इसकी भूख लंबे समय तक मिट जाएगी अथवा इसे मारा भी जा सकता है। दोस्तों अब जान लेते हैं अगर स्पेस पनिशर हल्क और गैलेक्टस आमने सामने हो तो कौन जीतेगा। स्पेस पनिशर हल्क ने गॉड लाइक पावर वाले सिक्स वाचर को मारा है जो कंट्रोल करते थे एनर्जी को मैटर को और उन्होंने यूनिवर्स 12091 के सबसे पावरफुल वीपन अल्टीमेट न्यूलीफायर को धूल में बदल दिया था जिससे पूरी गैलेक्सी को खत्म किया जा सकता था। यही नहीं स्पेस पनिशर हल्क ने यूनिवर्स 12091 के गैलेक्टस को भी मारा है। इससे क्लियर हो जाता है कि इस सुपर बैटल एपिसोड का विनर स्पेस पनिशर हल्क है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।